एक लड़का जो छोटे से गांव में रहकर पढ़ाई शुरू करी थी और इनके पिता एक किसान थे जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बचपन से ही अपने बच्चे को यह कहकर मोटिवेट किया करते थे कि बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई की बदौलत से ही अपने घर की हालात को सही कर सकते हो और पढ़ाई के बदौलत ही तुम कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। दोस्त, इन्हीं सब कारणों की वजह से इस लड़के को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि अधिक हो गया था और जब यह क्लास 3 में था तभी इनके बड़े भाई का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया था। तभी से इसने भी सोच लिया था कि मुझे भी नवोदय विद्यालय में जाना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। दोस्त, इतनी छोटी सी उम्र में जब उनके सारे दोस्त खेल रहा होता था तब यह घरों में बैठ कर पढ़ाई कर रहा होता था और उस समय ऐसी स्थिति थी कि उनके गांव में बिजली भी नहीं थी। केरोसिन के दिए जलाकर इसने नवोदय में जाने की तैयारी शुरू करी थी और दोस्त 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब इसने एग्जाम दिया तो यह लड़का इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया और इतनी छोटी सी उम्र में इसके लिए बड़ी विफलता थी, क्योंकि लोग इनके पिता को ताने देना शुरू कर दिए थे कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें वह गुण नहीं जो तुम्हारे बड़े बेटे में है, अरे इसे मत पढ़ाओ, यह ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और दोस्त, अक्सर ऐसे गांव में यह समस्याएँ आती हैं जब लोग वहाँ शिक्षित नहीं होते, और ऐसा ही कुछ कंडीशन इस लड़के के गाँव में था। इस लड़के को अपने बड़े भाई से कंपेयर करके इसे कोसने लगे कि तुमसे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाएगा, तुम बहुत कमज़ोर हो। और दोस्त, यह सब सुनने के बाद यह लड़का अंदर से टूट गया था, लेकिन खुद से एक वादा किया कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे खाते में माता पिता का काम यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहाँ से आया आप इसमें लगातार 3 साल तक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर और क्लास 8 में जाकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस बार एक कमज़ोर कहलाने वाले छात्र पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके दिखलाया। इसलिए कहते हैं किसी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर कभी भी उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। और इतना ही नहीं, जब यह लड़का 10th में था तो उसी समय इसने बड़े भाई का सिलेक्शन IIT दिल्ली में हो गया, तो फिर उसी दिन से इसने भी ठान लिया कि मुझे भी IIT में जाना है, मुझे भी कोटा जाकर पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। लेकिन दोस्त, इसी बीच इनके घर के हालात भी बहुत ख़राब हो चुका था। इनके पिता जी बहुत पहले से ही कर्ज लेकर पढ़ाई करवा रहे थे और उसने बोला कि उनके उनके लिए IIT की तैयारी करने के लिए कोटा जाना है। तो दोस्त, उसके पिता जी बोले कि बेटा पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि अपने कर्ज लेकिन दोस्त इस लड़के को पूछा था कि मैं IIT एग्जाम क्लियर कर ही दूँगा, बेटा तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेहनत करोगे। तो दोस्त, इस लड़के की आंखों में आंसू आ गया और इसने अपने पिताजी को एक खत लिखा कि पिताजी मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगा, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। और दोस्त, इसने जैसा कहा था वैसे ही किया। इसने IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक 2776 हासिल करके IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया और यह अभी भी नहीं रुका, क्योंकि इनका सपना था कि पिताजी का नाम ऐसे रोशन करना है कि वह कभी भी मिट न पाए। और इसके बाद इसने UPSC और गेट का एग्जाम दिया और इस एग्जाम में भी उसने अच्छे रैंक हासिल किए और UPSC में 10th गेट में 23 रैंक लाकर इतिहास रख दिया और अपने पापा का नाम रोशन कर दिया।
जो लोग बोलते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, आज वह एक अधिकारी पद पर IAS UPSC एग्जाम निकाल कर दुनिया में इतिहास रच दिया। दोस्तों, कड़ी मेहनत करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम जी जान लगा के मेहनत करो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। न्यू वर्क, गिव अप।